चलें जी, चेकआउट हो गया और अभी निकला हूँ नीचे, टैक्सी ढूंढ रहा हूँ। टैक्सी ढूंढ के तो बस टर्मिनल पहुँचूँगा। आज यहाँ पे स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है कोई 2-3 बजे के बाद, सेकंड आवर। पहले तो प्लान था कि यहीं पर रुक जाऊँ, लेकिन फिर जो है ना, वो मैंने कहा चलो मूव करते हैं टूवर्ड्स ट्राबज़ोन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्राबज़ोन। कल रात ट्राबज़ोन पहुंचने के बाद होटल आपको दिखाया और वहां पे मैंने वीडियो एंड कर दी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर प्लीज़ देख लें। उस वीडियो में आपको कार से ट्राबज़ोन का सफ़र जो था वो सारा मिल जाएगा, और होटल कैसे करना है, बस कैसे करनी है, कितने में मिलेगी, कहाँ कहाँ रुकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज का जो मेरा प्लान है वो है उज़ुनगोल लेक का। पहले ऑप्शन एक्सप्लोर किया गया कि यहाँ से कार या बाइक रेंट कर लूँ, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। फिर दूसरा होटल से पता किया कि लोकल बस कौन सी जाती है, तो उज़ुनगोल से पहले एक जगह आती है चायकारा, तो वहाँ तक बस जाती है आई थिंक, जो मुझे अभी तक समझ आई है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो उन्होंने मुझे इस तरह समझाया। टिकट मैंने ले लिया, 25 लीरा का ये वाला टिकट मिला है मुझे। बेसिकली मुझे काफ़ी जो है ना वो स्ट्रगल करना पड़ा है उज़ुनगोल की लोकल बस को ढूंढने में। तो मैंने कहा एक इसका थोड़ा सा अच्छा सा वीडियो बना दूं ताकि आगे फर्दर किसी को इशू ना हो बस को ढूंढने में। तो ये चेकारा टूर का बस है, ऑफिस है, यहाँ से आके आप टिकट बुक कर सकते हो। और नंबर भी आपने नोट कर लिया होगा, ये सामने नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे तो ये इस तरह की बसेस आपको खड़ी हुई यहाँ पे मिल जाएंगी। और मेरे वाली तो जो है ना वो मिनी बस टाइप। जी कोई अराउंड एक घंटा चलने के बाद गाड़ी ट्राबज़ोन से अभी एक जगह है चायकारा, और वहाँ पे पहुँची है। पहले तो मैं समझा कि शायद यहीं तक है, लेकिन वो फिर ड्राइवर से पूछा तो कह रहे हैं 5 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, देन उसके बाद आपको उज़ुनगोल ड्रॉप करेंगे। तो स्टॉप तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस यहीं पर आके एक छोटा सा बूथ बना हुआ था। जी उज़ुनगोल पहुंच गए, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लाइक कोई फ्रेश स्नोफॉल हुआ हुआ है। कल जो सारा दिन स्नोफॉल हुआ है डिफरेंट एरियाज़ में टर्की में, तो शायद यहाँ पे भी हुआ है। सॉर्ट ऑफ ये कोई मुझे ना नारान जैसा फील होना शुरू हो गया। सेम वैसा ही रोड, ऊपर आकर पहाड़ों में बर्फ़ और नीचे बाज़ार और ये सामने खूबसूरत सी मस्जिद। तो ऐसे हैं सामने, ऊपर वो हट्स टाइप बने हुए हैं सब जो है ना, वो लाइक वो हैं अपार्टमेंट्स हैं विद किचन, इस तरह की चीज़ें। होटल्स यहाँ पे शायद कम है, मैंने जितने भी सर्च किए तो अपार्टमेंट ही नज़र आए हैं। तो अभी बैग अपना ले लूँ तो फिर देखता हूँ आगे कौन सा हट कौन सा होटल करना है।
स्टिल वही अगेन वही हो रहा है, जो होटल देखा है वो ऑनलाइन वो थोड़ा सा दूर है, 3 किलोमीटर की वॉक है यहाँ से थोड़े से रैंडम होटल से, सूट से जो है ना वो अपार्टमेंट जो भी हैं इनसे मालूम कर लेता हूँ कि अगर उसी रेट में 200 लीरा का वो बोल रहा है, अगर उसी रेट में यहाँ मिल जाता है तो यहाँ रखूँगा बैग वैग फ्रेश फ्रेश हो के, तो फिर लेक वगैरह एक्सप्लोर कर लूँगा। भाई साहब ये तो 500 लीरा बोल रहा है, 500 लीरा पता कितने होते हैं, कोई तकरीबन बन जाते हैं शायद 7,500-8,000 के करीब, अब उन तो नहीं लेगा इतने में, वो 200 वाला ही ठीक था, पैदल चल लेता हूँ 3 किलोमीटर 200 में तो लेना। या ये से पूछा मैंने कहा नहीं नॉर्मल रूम है, कह रहा माफ़ी मुश्किल यहाँ अरेबिक आती है लोगों को, आई डोंट नो वाई क्यों अरेबिक बोल रहे हैं ये लोग, यहाँ पे शायद अरब लोग ज़्यादा आते हैं तो इस वजह से लिखी भी हुई है अरेबिक, तो होटल वाला भी अरेबिक बोल रहा था। चलो खैर हम भी अरबी बन जाते हैं, लेकिन पैसा अरबियों वाला नहीं है अपने पास, पैसा हमारे पास पाकिस्तानियों वाला है। ये कुछ ऐसा है जी उज़ून गुल देखने में, और रेट्स की यहाँ पे तबाही फेरी हुई है, लाइक जैसे सीज़न में नारान होता है ना तो उसी तरह, आई डोंट नो कि अब कितने में। नहीं भाई यहाँ पे भी बात नहीं बनी, 300 लीरा का इसने आखिरी बोला था, जो इटसेल्फ 4500 रुपीस बनते हैं अगर आज के रेट के हिसाब से या देखा जाओ। अभी लीरा का वैसे भी रेट बहुत कम हुआ हुआ है, लेकिन इटसेल्फ 300 लीरा इस ऑफ सीज़न में ज़्यादा है, तो उसने कहा ये हमारा ऑफ सीज़न का ही रेट है। मैंने उसे पूछा मैंने कहा व्हाई पीपल स्पीक अरेबिक हियर, वो कह रहे हैं मोस्टली यहाँ पे आपको सीडियन मिलेंगे, तो जिनको इंग्लिश आती अरेबिक आती है, और दूसरा ये कि अरब कंट्री से वही जो मैंने आपको बोला टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इस एरिया में, तो इस वजह से अरेबिक आती है यहाँ पे काफ़ी होटल वालों को, सो अकोमोडेट किया हुआ है भाई उन्होंने टूरिस्ट को अरबियों को घेरने के लिए, क्योंकि अब अरेबिक ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं ना टर्किश बोल सकते हैं, तो इन्होंने ही अपनी लैंग्वेज को अरेबिक रख लिया। हाँ और कुछ जो सीरियन लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए होंगे, होटल वालों ने उनको जॉब दिया ताकि वो अरेबिक बोल सकें, और जो अरेबिक कंट्री से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हिसाब किताब सेट कर सकें ना उनके साथ। ये एक मिला है थोड़ा सा सस्ते में, 200 लीरा बोल रहा है, लेकिन देखता हूँ क्या सीन बनता है इसका। ये है इसका व्यू नहीं है, और व्यू वाला लेते हैं तो वो 350 का है, और ये वाला 300 का है। इसमें ये रहा इनका वॉशरूम, और ये सिटिंग एरिया है, दो बेड और बंक बेड लगे हुए हैं, किचन है, एक वॉशरूम ये है, और यहाँ से आप बाहर निकल के लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, बैठने की जगह भी बनाई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि यही अभी सस्ता मिल रहा है तो इसी को ही करना चाहिए।